हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह के टाइम हो गया है और थोड़ा सा ये लेट उठती है, तो मैं लेट ही काम स्टार्ट करती हूँ। इनका टिफिन मैं दे देती हूँ, उसके बाद हम जो करते हैं वो कर लेते हैं। अभी घर अच्छे से सेट नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के कन्फ्यूज़न चल रहे हैं, तो इस वजह से व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। बट आज मैंने स्टार्ट कर दिया है और जो जो करूँगी वो मैं शेयर कर दूँगी। बहुत कुछ सोच रखा था यार पहले मैंने कि इस पे वीडियो बनानी है, उस पे वीडियो बनानी। रिक्वेस्ट भी बचत की भी काफ़ी आया करती थी, तो वो भी सोचा हुआ था मैंने। ग्रॉसरी भी लेके आनी है, क्योंकि इस महीने मैं 1 तारीख को ही चली गई थी, तो इस महीने की ग्रॉसरी भी नहीं आई, तो वो भी लिस्ट बनानी है, वो भी लेके आनी है। बहुत कुछ करना है, बट अब करेंगे धीरे धीरे। तो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम अपना नाश्ता करते हैं। इसके पापा को रोटी और बैंगन की सब्जी मैंने दी थी और अचार वगैरह दिया था, तो अब आटा रखा हुआ है, तो मैं एक बार नाश्ते में पराठे बनाऊंगी और जब पराठे बन जाएंगे हम नाश्ता कर लेंगे। तो लंच में इसके लिए, इलू के लिए मैं कुछ और बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि ये बैंगन की सब्जी नहीं खाती, इस वजह से ये मैंने डिसाइड किया। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। तो घर के कुछ ये हाल हैं, बहुत अच्छी तरीके से तो सेट नहीं हुआ है। कुछ बैग मैंने अनपैक कर दी, ये वाला एक बचा है, इसको करना है, तो बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं नहीं बोलूंगी कि सेट हो गया है, बट हाँ धीरे 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 हो रहा है, डेली बिखर जाता है। तो ये ड्रेसिंग टेबल को सेट करना सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि वो मेकअप का लेके भी गए थे और वहां से भी कुछ लिया। ये देखो अभी सफाई वफाई कुछ भी नहीं हुई है। और किचन का भी ये हाल है, बस एक बार नाश्ता करके हम दोनों लगते हैं काम पे। बर्तन भी रखे हैं और अभी माइंड ऐसा चल रहा है ना, इस वजह से कुछ भी प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपनी आंखों का ख्याल कर लेते हैं। ये देख रहे हैं आप मेरी आंखों के नीचे कितने डार्क सर्कल्स हो गए। अब देखिए, हम सबकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम लेट नाइट सोते हैं और अधिकतर हमारा टाइम जो है लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन में गुजरता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाती हैं, हमारी आंखें जो हैं पफ़ी हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए मैंने मंगवाई है मामा अर्थ की विटामिन सी डेली ग्लो अंडर आई क्रीम विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। इसमें विटामिन सी एंड टर्मरिक और एलोवेरा की गुडनेस है। इसे आपको दिन में 2 बार लगाना होता है। अगर आप 4 वीक्स तक दिन में 2 बार इसे लगाएंगे तो ये 70% तक आपके डार्क सर्कल्स और पफीनेस को रिड्यूस करती है और साथ ही आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है और रिंकल्स को भी रिड्यूस करती है। विटामिन सी एंड टर्मरिक जो है आपकी स्किन जो है उसको नेचुरल डेली ग्लो देते हैं। विटामिन सी ब्राइट करता है स्किन को और टर्मरिक जो है वो नेचुरल ग्लो देती है। ये बिल्कुल लाइट वेट फार्मूला है और सबसे ज़्यादा इसमें मुझे पता है क्या पसंद है, इट्स मेड सेफ सर्टिफाइड, मीनिंग इट्स कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स। तो अगर आपको भी अपने डार्क सर्कल्स दूर करने हैं और ये क्रीम चाहिए तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मामा अर्थ की जो प्रोडक्ट्स हैं आपको मामा अर्थ की ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट पे मिल जाते हैं, साथ ही अमेजन, नायका, पर्पल और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाते हैं। और अब तो मामा अर्थ की जो प्रोडक्ट्स हैं आपको आपके करीबी ऑफलाइन मामा स्टोर्स पर भी मिल जाते हैं। मामा अर्थ जो है हमारी इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। जब भी हम मामा अर्थ से कुछ खरीदते हैं तो मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, क्योंकि 2025 तक मामा अर्थ का एम है कि वो 1 मिलियन ट्रीज जो है प्लांट करें। अगर आपको ये चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ ले सकते हैं, जिससे कि आपको मामा अर्थ की ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट पर 20% ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किचन की थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ स्लैब की, उसके बाद चूचू को भी मुझे दूध देना है, इसके बाद हम नाश्ते में बना लेंगे अपने पराठे। तो ये रहा हमारा नाश्ता, दूध, पराठा, चार पराठा मेरा। तो इल्लू को कपड़े सुखाने के लिए बोल दिया है, कल जो मशीन में डाले थे, एक और मशीन में और एक वो रखे हैं और फिर हाथ से धोने वाले अलग हैं, तो ये कपड़े सुखा देती है, तब तक मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। Thank you.
तो यहाँ पे मैं तैयारी करने आ गई हूँ लंच की। मेरे पास ब्रेड रखी थी और तीन सब्जियाँ थी, तीन से चार बस, घिया था और पत्ता गोभी थी और बैंगन थे और टमाटर और प्याज थे। इससे ही मैं पाव भाजी बना दूँ क्योंकि इलू को ये सारी सब्जियाँ पसंद नहीं है, तो मिक्स करके मैं पाव भाजी बना दूँगी। जुगाड़ू पाव भाजी, काम चलाऊ पाव भाजी। तो ज़्यादा कुछ तो मेरे पास नहीं था, तो ये है प्याज थोड़ा सा, एक छोटा सा घिया है, बैंगन है और पत्ता गोभी मैंने कट कर लिया। आलू भी नहीं है, शिमला मिर्च भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। टमाटर है, टमाटर की जो कि अभी बहुत महंगे हो रहे हैं, तो टमाटर भी मैं एक ही डालूंगी क्योंकि देखो कम चीज़ों में भी, सीमित चीज़ों में भी आपको काम चलाना आना चाहिए। क्योंकि ये मंडी गए थे और लेके ही नहीं आए कुछ, तो फिर ज़्यादा सब्जियां है नहीं, तो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इलू के पसंद की चीज़ बना सकूँ। तो देखते हैं वो टेस्ट आता है कि नहीं। आधी सब्जियों जैसे कि फूल गोभी नहीं है, शिमला मिर्च नहीं है, आलू नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, उसके बाद भी मैं ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सब्जियां बॉयल होती हैं तब तक मैं जो बर्तन है वो जो है अपने जगह पे लगा दूंगी। प्लस मुझे ग्रॉसरी चेक करनी है क्या है क्या नहीं है। वैसे तो देखो इस महीने नहीं ली थी तो सब कुछ ही लाना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी इस महीने से कि अननेसेसरी कुछ भी ना लूँ। जितना जितने चीज़ की मुझे ज़रूरत है बस मैं उतना ही लूँ। तो इसलिए अभी चेक करती हूँ, फिर मुझे ग्रोसरी लिस्ट भी बनानी है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम रिलायंस जाते हैं, नेशनल सुपरमार्केट जाते हैं, उसमें क्या होता है ना कि जो चीज़ हम लेने जाते हैं उससे पहले चार चीज़ दूसरी उठा लेते हैं। तो ये होता है मेरे साथ, कुछ ना कुछ तो मैं एक्स्ट्रा लेके आ ही जाती हूँ। इसीलिए जब भी मैं बचत की वीडियो बनाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि जो भी खरीदारी करें तो कोशिश करें कि ऐसी जगह से ना करें। कुछ प्रॉफिट हो रहा हो तब अलग बात है कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है या कुछ भी जो भी है, बट यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, सबसे पहली गलती कि जो चीज़ चाहिए उससे पहले पांच दूसरी चीज़ उठा लेंगे। तो ये है, तो अभी मैं ग्रॉसरी चेक करती हूँ। दालें वाले तो सभी लेनी है, तो बस बर्तन लगाती हूँ और ग्रॉसरी को चेक करती हूँ, उसके बाद लिस्ट बनाऊंगी और फिर लाएंगी ग्रॉसरी। ठंडी होती हैं सब्जियां तब तक की, थोड़ा सा आम खा लेते हैं और फिर थोड़ा सा लिस्ट भी बना लेती हूँ। मैंने चेक कर लिया है क्या है क्या नहीं है, आम खा के फिर वो करते हैं। ये देखो मौसम तो बहुत अच्छा बना हुआ है, बारिश आएगी।
तो ये देखिए यहाँ पे चूचू जो है वो सो रही है। सुबह को क्या हुआ कि मुझे आवाज़ आई थी लड़ने की डॉग्स के, क्योंकि दूसरी गली के डॉग्स आ जाते हैं ना तो इनकी झगड़ा हो जाती है और वो लोग इसको काट खाए और बुरी तरीके से काट खाए। जिस तरीके से 15 दिसंबर को इसको बहुत ज़्यादा काटा था उसी तरीके से। इसके बाद पता है क्या होता है कि और ज़्यादा एग्रेसिव भी कई बार हो जाती है कि दूसरे डॉग्स काट लेते हैं ना, तो उसके बाद तो बस इसको दर्द हो रहा था, ये हिल डुल नहीं पा रही थी, तो बस इसको थोड़ा सा पुचकार रहे थे, प्रेम दे रहे थे। ये आएंगे तब इसके लिए कुछ दवाई भी लेके आएंगे। वीडियो शूट करके भाई को भी भेज दी है कि क्या दवाई इसको सही रहेगी, क्योंकि ये क्लिनिक तो जाती नहीं है, पेट क्लिनिक तो ये जाती नहीं, वहाँ पे कोराम मचा देती, तो भाई से ही अपने पूछ करके और इसके लिए दवाई जो है हम ले आते हैं। तो यहाँ पे बस वो थोड़ा सा सोई थी तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे एक टमाटर जो है वो कट कर लूँगी, प्याज और हरी मिर्च मैंने डाल दिए ऑयल में, और सब्जियां जो हैं वो बॉईल हो चुकी थी पाव भाजी के लिए। मैंने बताया ना सिर्फ 3 ही सब्जियां थी मेरे पास, तो बस उन्हीं से मैं पाव भाजी जो है वो बना दूंगी। तो ये पैन लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, आज मेरे पास बटर भी नहीं था, वैसे तो घी में बना सकती थी लेकिन घी मैं ऊपर से डालूंगी इस पे। तो थोड़े से ऑयल में मैंने प्याज और हरी मिर्च को भून लिया, इसके बाद मैंने टमाटर डाले, इसके बाद मैंने नमक मिर्ची और धनिया डाला, फिर मैंने जो है बॉयल की हुई सब्जियां डाल दी, पाव भाजी मसाला डाल दिया और उनको मैश कर लिया है ना, और उसके बाद अमचूर पाउडर डाल दिया। तो इसी तरीके से मैंने काम चला और एक जुगाड़ू सी पाव भाजी बना दी, क्योंकि घिया उतना पसंद नहीं, लोगों को खा लेती है लेकिन उतना पसंद नहीं, बैंगन तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो पत्ता गोभी एक दिन पहले ही बनाई थी। तो ऐसे करके ना ये तीनों ही सब्जियां मिक्स करके और मैंने जो है पाव भाजी बना दी, क्योंकि ये मेरे पास ज़्यादा कुछ भी नहीं था तो सीमित चीज़ों में ही मैंने ये पाव भाजी जो है वो बना दी है, क्योंकि पाव भाजी मसाला से टेस्ट आ जाता है, तो थोड़ा ढेर सारा पाव भाजी मसाला डाला, उससे टेस्ट आ गया और ये पाव भाजी लगने लगी। तो ब्रेड रखी थी उसको मैंने सेक दी और पाव भाजी जो है इलू के लिए तैयार कर दी, ब्रेड भाजी कह लो इसको, पाव भाजी ना सही ब्रेड भाजी कह लो। तो इसमें मैंने घी डाल दिया है बटर की जगह पे, क्योंकि अभी तक ग्रोसरी आई नहीं है तो बटर वटर है नहीं, तो ये प्याज और नींबू के साथ सर्व कर दिया। तो यहाँ पे बस इलू को कुछ खिलाने की कोशिश, इलू नहीं चूचू, हमेशा मेरे मुंह से चूचू को इलू और इलू को चूचू निकल जाता है, तो इसको खिलाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ खा ले, तो मुश्किल से एक ब्रेड इसने खाई थी, दूध थोड़ा सा पी लिया था। और यहाँ पे जो है बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा सो गए थे मैं और इलू दोपहर को, और बस फिर इसके पापा आए तो इलू को भी थोड़ा सा भूख लगी, मुझे भी चाय पीने का मन हुआ क्योंकि बारिशें चल रही हैं आजकल, तो मैंने सोचा चलो, और मुझे भी भूख लग गई थी। लेकिन घर में ऐसा कुछ था नहीं, जैसे आलू आलू बेसन वगैरह तो सब है लेकिन सब्जियाँ नहीं थी, तो पकौड़े बनाने का भी मेरा दिल नहीं किया। तो इलू तो अपने लिए मैगी की भेल बना रही है, मैंने हमारे लिए चाय चढ़ा दी और सोचा कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ कि जो जल्दी से भी हो जाए। तो बस ऐसे ही तलने के लिए फ्राइम्स रखे थे तो वो फिर हमने तल लिए थे और बस बाहर बैठ के छिम छिम बारिश में चाय पी थी। इसके बाद बस हम लोग निकल गए थे चूचू के लिए स्प्रे लेके आने के लिए। मेरे भाई ने बताया था कि या तो हल्दी का स्प्रे कर दो, और एक स्प्रे का नाम बताया था। तो यहाँ पे पास ही में ना एक क्लिनिक है, ये वेट प्रो करके शर्मा क्लिनिक है, पेट क्लिनिक है, तो यहाँ से वो वाला स्प्रे तो नहीं मिला लेकिन ये वाला लेके आए थे दूसरा उसी के टाइप का। तो भाई ने बोला था हाँ ये भी ठीक है, तो इसको स्प्रे किया था। ये देखना ऐसे दौड़ेगी, इसको थोड़ी सी मे बी जलन वलन होती होगी लेकिन ये लगाना भी ज़रूरी है। ये देखो इससे आज चला भी नहीं जा रहा है और इसको दर्द भी काफ़ी हो रहा है, तो इसकी सांसें भी ना काफ़ी फूल रही हैं। और बारिश हो रही थी तो कपड़े हम अंदर ले आए थे तो ये टेबल पर फैल रहे हैं, इग्नोर करना इनको। और इलू से मैं लगवा रही थी कि चल लगा दे, तो ये देखो कितना बेचारी को दर्द हो रहा है, और उसके बाद थोड़ी सी जलन भी होती होगी
तो बस ये उठ बैठ भी मुश्किल से पा रही है। हाँ चढ़ रही उतर रही सब कुछ कर रही है, लेकिन थोड़ा सा इसको पेन है और बेचारी अंदर ही अंदर रोती है। ये बेजुबान कुछ कह तो पाते नहीं है, तो इनकी तो हमें समझ नहीं पड़ती है, तो इसलिए बस इसके लिए लेके आए हैं। उम्मीद करती हैं जल्दी से ठीक हो जाएगी। इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था, शाम को इडली सांभर और सब कुछ बनाए थे, बट वो मैंने शूट नहीं किया था। आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।